हम सबके प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ के विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, हम सबकी जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही, मैं सोचा था कोई मोटा ताजा होगा तो मैं देख कर अपना बढ़ता बहुत दुबली हूँ। मैं इस वक्ता का एक बार स्वागत करता हूँ, आप सब तालियां बजाकर प्रदेश की तरफ से एक अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। आप सब यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे युवा मित्र, हमारे आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे भरूण जी, एक कार्यक्रम ऐसे बच्चों का दूर दूर तक रहे जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे बच्चों का एक कार्यक्रम युवा मोर्चा ने रखा है। आज आप सभी युवाओं का बीच पहुंचकर मेरे अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप लोग हमारे नए भारत की शक्ति हैं, वो शक्ति जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने आगे झुकने के लिए दम रखते हैं। युवा वो है जो अपने देश की सूरत बदलने में ताकत रखते हैं, और युवा हिंदुस्तानी है तो पूरे दुनिया का नेतृत्व करने का भी ताकत रखते हैं। खेल की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, विज्ञान की बात हो, कृषि के क्षेत्र में हो, आज के युवा आगे नाम कर रहे हैं। हम सब राजनीतिक दल से आते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक विचार है, सिद्धांत है, कार्य पद्धति जिसके आधार पर हम सब आगे बढ़ते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। किसी पार्टी का वंशवाद का है तो किसी का परिवारवाद का है, लेकिन अपने राजनीतिक दल एक वैचारिक सिद्धांत के आधार पर चलते हैं और आगे बढ़ने के बाद सत्ता में आते हैं उसी तरह नेतृत्व करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तूफानों से टकरा, जो तूफानों से टकरा उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों से टकरा उसे शैतान कहते हैं, जो शैतान से टकरा उसे भगवान कहते हैं। एक समय ऐसा था देश का नेतृत्व लोग कर रहे थे, एक समय ऐसा आया कि कश्मीर के धरती से एक आवाज उठी, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी को, फंदे को चुंबन के रूप में लिया और हंसते हंसते शहीद हो गए मित्रों के, भारत माता जय के लिए वंदे मातरम की, और वही आतंकवादियों ने चैलेंज किया कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने मां का दूध पिया हो, वह व्यक्ति की हैसियत हो तो श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहरा के देखते दिखा दे। और एक निकला, एक गरीब परिवार में जन्म लिया और चाय बेचने वाला, बरसते पानी के मां के आंचल में छिपने वाला, कि नहीं लगना चाहिए वंदे मातरम का नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, जय श्री राम का नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आप मुझे नारा नहीं लगने देंगे, वही नौजवान एक युवाओं ने किया है, पढ़े लिखे विद्यार्थियों ने किया है इस देश को बनाने का। जब जय जवान विज्ञान और जय किसान का नारा लगाया अब्दुल कलाम ने लगाया था देश, आप राम को नकारेंगे, आप टीका नहीं लगाएंगे, आप किसको नकारेंगे, वही देश का नौजवान देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों। पशुपतिनाथ में दर्शन करता है और त्रिकुट लगाता है, कंठी माला पहन कर निकलता है, भगवान कपड़ा पहन कर निकलता है, और 10 साल बाद दुनिया का कोई राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आता है तो गंगा आरती करता है, भोले संस्कृत में सभ्यता है कि देश के अंदर एक तो हमारी है, एक तो हमें नौजवान मिला। मैं बरसाना में 21 तारीख को बच्चे का जन्मदिन में गया दर्शन करने, मुझे एक नौजवान मिला भारत का, मैं बोला मेरे साथ 15 मिनट फट कर दुआ, मेरे साथ बोला लाइन नहीं लगे,
हम के रहने वाले काम वाला फरीदा वाला क्या कर रहे हैं, हम पेट कर रहे हैं। मैं कहा विचार क्या है बोला अंकल, अच्छे अच्छे थालियों में भोजन करने से, अच्छे अच्छे पकवान खाने से फायदा क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से लाभ।